जानते हैं, पिछले साल गणतंत्र दिवस के टाइम पर रिलीज हुई पठान और इस साल रिपब्लिक डे में रिलीज हुई फाइटर में क्या एक चीज है जो कॉमन है? वेल, दोनों ही फिल्में एक ही शख्स ने बनाई है, सिद्धार्थ आनंद। यही नाम है इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर का जिसने ये फिल्में बनाई हैं। आज सिद्धार्थ आनंद को राजा मौली और राजकुमार हिरानी के बाद देश का तीसरा सबसे बेहतरीन डायरेक्टर माना जाता है। अगर आप बॉलीवुड में देखें तो सिद्धार्थ आनंद से बेहतरीन एक्शन फिल्म्स कोई नहीं बनाता, पर इतने बेहतरीन रिव्यूज के बाद भी क्यों फाइटर फेल हुई? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फाइटर एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म को पठान से भी बेहतर रिव्यूज मिले थे, पर अगर आप दोनों फिल्मों के कलेक्शंस पर नजर डालें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जहां पठान ने अपने पहले 5 दिनों में 500 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं फाइटर ने 5 दिनों में बस 200 करोड़ ही कमाए हैं। अगर आप फाइटर के कलेक्शंस को देखें तो वो उतने भी बुरे नजर नहीं आते, पर करीब 250 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल भी होल्ड नहीं दिखा रही है। इंडिया में तो इसके बहुत सारे शोज कैंसिल हो रहे हैं, पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों इतनी शानदार फिल्म उम्मीद के मुताबिक कलेक्शंस नहीं कर पा रही है? वेल, फाइटर के इस बुरे परफॉर्मेंस के पीछे दो ही वजह नजर आती है। पहली वजह तो है फिल्म का खराब प्रमोशन। अगर आप पास्ट की सारी बड़ी फिल्मों को देखें तो सभी अपने ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल से अच्छी खासी हाइप बनाने में सफल हुए थे। यूं तो फाइटर का ट्रेलर तो अच्छा था, पर उसके गाने वो जादू ना चला सके जैसे सिद्धार्थ आनंद की पिछली फिल्मों के गानों ने परफॉर्म किया था। लोगों को तो ये भी पता नहीं चल पाया कि सिनेमा घरों में इस नाम की कोई फिल्म लगी हुई है। खराब प्रमोशन के अलावा दूसरी वजह यह थी कि फिल्म यूं तो उरी गदर जैसे ही पाकिस्तान को एनिमी बनाकर अपनी कहानी में आगे बढ़ती है, पर उन दोनों फिल्मों की ही तरह फाइटर का मेन फोकस सिर्फ पाकिस्तान और उससे नफरत में नहीं टिका होता है। फिल्म में पाकिस्तान के अलावा जो स्टोरी लाइन प्रेजेंट की गई है, जो कैरेक्टर का आपस में रिलेशन शो किया गया है, वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया। इन दोनों रीजंस के अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिल्म के साथ हुई कि ये फिल्म बहुत ही गलत टाइम पर रिलीज हुई। इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद भी, इतने अच्छे रिव्यूज होने के बाद भी अगर मूवी फेल हुई है तो उसके पीछे एक ही बड़ी वजह नजर आती है, क्योंकि ऊपर के दोनों पॉइंट्स को देखा भी जाए और मान लिया जाए कि फिल्म खराब थी, पर फिर भी फिल्म का इतना कम कलेक्शंस नहीं आ सकता। फिल्म के फेल होने का मेन रीजन ये है कि पिछले महीने ही एनिमल, सैलार और डंकी रिलीज हुई थी, और इन तीन बड़ी फिल्मों पर पिछले महीने ही अपने पैसे खर्चे करने वाले लोग इस महीने फिर से अपने जेब से पैसे खर्च करने में झिझक रहे हैं, और शायद यही वजह रही कि फिल्म यूं बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह गिर गई। क्या लगता है आपको, क्यों एक अच्छी फिल्म होने के बाद भी फाइटर फेल हुई? अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।